यंग लर्नर की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे होंगे चर्चा में ये बना हुआ है कि भारतीय सेना ने व्हाट्सएप जैसा एक मैसेजिंग ऐप को लॉन्च किया जो पूरी तरह से स्वदेशी है, तो ये चर्चा में बना रहा। तो आज हम क्लास में ये समझेंगे जो भारतीय सेना द्वारा जो मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया गया उस ऐप के बारे में जानेंगे। मैं सुधीर श्रीवास्तव आप सभी को अभिवादन करता हूँ। आइए जानते हैं जो भारतीय सेना द्वारा ऐप बनाया गया उसके बारे। भारतीय सेना ने ASIGMA नाम का एक मैसेजिंग एप्लीकेशन को लॉन्च किया है जिसे आर्मी सिक्योर इंडिजीनियस मैसेजिंग एप्लीकेशन का नाम दिया जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि भारतीय सेना इससे पहले एक मैसेजिंग एप्लीकेशन को चला रही थी जिसे AWN का नाम दिया जाता, जिसे आर्मी वाइड एरिया नेटवर्क मैसेजिंग कहा जाता। तो ये AWAN जो है पिछले 15 वर्षों से भारतीय सेना में शामिल था और AWN की जगह जो है ASIGMA लेगा। आइए जानते हैं क्या है ASIGMA ऐप, अर्थात आर्मी सिक्योर इंडिजीनियस मैसेजिंग एप्लीकेशन के बारे में जानते हैं। बता दें यह जो है भारतीय सेना की जो भविष्य में आने वाली आवश्यकता है उस आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा और इसी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इसको डिजाइन किया गया। इस ऐप के अंतर्गत कई विशेषताएं शामिल है, जैसे में देखिए बहुस्तरीय सुरक्षा, संदेश की प्राथमिकता होगी, ट्रैकिंग की सुविधा और गतिशील वैश्विक पता पुस्तिका जैसी विशेषताएं इस ऐप में शामिल है। वही जो ये ऐप है ये विशेष रूप से आपको बता दे भू राजनीतिक सुरक्षा या सेना के लिए जो रियल टाइम डेटा ट्रांसफर और मैसेजिंग जैसी आवश्यकताएं आती हैं, तो इस आवश्यकताओं को भी आर्मी सिक्योर इंडिजीनियस मैसेजिंग एप्लीकेशन जो ये पूर्ति करेगा। जानते हैं ASIGMA ऐप जो है इसको कौन विकसित कर रहा है। देखिए यह ऐप न्यू जनरेशन का वेब आधारित मैसेजिंग एप्लीकेशन है और यह जो है पूरी तरह से भारतीय सेना द्वारा विकसित किया गया, अर्थात ये स्वदेशी है। वहीं जो आपको बता दें भारतीय सेना के अंतर्गत कोर ऑफ सिग्नल होता है और कोर ऑफ सिग्नल के अधिकारियों ने एक टीम का गठन किया और इस टीम ने ASIGMA मैसेजिंग एप्लीकेशन जो है इसको विकसित किया। उम्मीद है आपको ASIGMA ऐप के बारे में पता चला होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।